मसानी राजा चल रही है यानी कि वोट का हुआ तेजारा निकल देखे का मां मसान सा उठा के देखे का मैं दादे से मसान जगा जा तुम को खी रास्ते उठा के तुम्हारी रास्ते में डाल दें वाकई चीज वाकई डाल दें मसान जगा जा तुम तो मेहरियों के साथ पाल दे ओके मेहरिया तोरे साथ पाल दे अच्छा यहां तो जब यही मसान का ये काम है आबे कर थी जो जगाए हूं मसान जगा वाला खुदे मसान में रात भर सोई सोई ना था धन को स्वागत सारी वही का खा लाई तुम तो गए हो ना दाता मसान शमशान अरे हम सब हर चीज भोगे अपन है जगाए नहीं हो मसान ही साधु हम बैठे में अब घर ना मैं नागा साधु हूँ बारह पंथ का साधु हूँ इन दिनों मौलाना नकल की नहीं था नकल नकली चेचीदारी से वो दिन रहा उनके मैयत अच्छा उनका पुरखा मर गया तो पुरखा की मरी से आदमी रो उठे क्योंकि मिठाई का ख्याल तो उन्हें गुस्सा लाग जितने जिन ना था कहा से तुम वहाँ पुरखा मर गए ये सारे के मिठाई का लाग तो सारे को उठा लेंगे अपने मुँह सड़क बराबर वैसे फेंक देने तो जीरो साल भेजे के बदले तुम आँखें उल्टा दी हैं अभी कुल्ला साल मुँह से खून डाली गट्टे दे प्राण निकल गए। दोस्तों देख सकते हैं दाता आश्रम है और बहुत ही पुरानी कुटिया बनी हुई जो कुटिया आप देख रहे हैं बहुत ही पुरानी कुटिया है अंग्रेजों के ज़माने की कुटिया है और अभी तक ऐसी ही बनी हुई है। इसको एक बार बनाया जाता है कम से कम ये 50 साल चलती है। अभी हम अंदर से दिखाएंगे दाता का आश्रम देखिए कितना साफ सुथरा आश्रम है बिल्कुल सी इतना अच्छा कलर किया गया है दोस्तों देख सकते हैं कितना प्यारा लगता है। अब बहुत ही साफ सफाई रहती है दाता के आश्रम में और हम आपको अंदर लेके चलते हैं अभी अंदर से आपको दिखाएंगे दाता आश्रम और ये देखिए देख सकते हैं दोस्तों अंदर देखिए कितना सुंदर अंदर आश्रम है और यहाँ पे दाता जी की मूर्ति भी रहती है। यहाँ पर देख लीजिए ये दाता जी की मूर्ति है यहाँ पे रखी हुई है और गुरु की पूजा होती है यहाँ पे मूर्ति पूजा नहीं होती है गुरु की पूजा होती है। देख सकते हैं गुरु जी यहाँ पे बैठे हुए हैं और गुरु जी की काफ़ी ज़्यादा उम्र है कितने साल के गुरु जी हैं 125 साल के गुरु जी हैं और अभी भी जिंदा हैं गुरु जी लेकिन यहाँ पे नहीं रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं चंदौल में रहते हैं गुरु जी अभी भी जिंदा हैं 125 साल के हैं और यहाँ पे गुरु की ही पूजा होती है बाकी मूर्ति पूजा नहीं होती है जी जीव की पूजा यहाँ पे होती है और देख सकते हैं यहाँ पे दाता का ये आसन है यहाँ पे दाता जी जो यहाँ पे आराम सा ही दाता है वो यहीं पे रहते हैं और यहीं पे रह के भजन करते हैं। और देख सकते हैं ऊपर आप देखेंगे ऊपर देखिए ये बांस का पूरा बनाया गया है अब पूरी तरह से देख सकते हैं इस तरह बनाया गया है कि बहुत ही सुंदर लगता है और एक बूंद पानी ऊपर से नीचे नहीं आता। ये कितना पुराना होगा ये बना हुआ है चतुरा 30 साल से दोस्तों ये बना हुआ है और ऐसे ही बना हुआ है इसको रिपेयरिंग भी नहीं किया गया और देख सकते हैं बांस कितने घने लगाए गए हैं और इसमें बीच बीच में ये सरपत है लगे हैं कि क्या है लगा है सरपत लगाया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। इसे बनाने में कितना खर्चा आ जाता होगा इसे पूरा बनाने में दोस्तों 1.5 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है पहले 1.5 लाख का खर्चा इसमें आता था। भैया है देखिए भैया यहीं पे आश्रम पे रहते हैं भैया का नाम क्या है हमारा विमल साई विमल साई नाम है भैया का भैया यहीं पे रहते हैं जी। तो ये भैया जो ये चतुरा बनाया जाता है इसमें कितना खर्चा आ जाता है सर 1.5 लाख का खर्चा आया था जो 30 साल पहले अब जो है ज्यादा आएगा अच्छा हम कम से कम नहीं तो 2-2.5 लाख से कम नहीं आएगा अब इस समय 2.5 लाख रुपए इसमें आएगा कम से कम ये आपकी कुटिया होगी कम से कम कै फुट चौड़ी लंबी चौड़ी ये समय 20x20 की है 20x20 की कुटिया है जी। इसे बनाने में कम से कम समझ लीजिए 30 साल पहले अगर इसमें 1.5 लाख का खर्चा आया है तो अब 2.5-3 लाख का खर्चा होगा। हाँ जी ये कितने साल तक ये चलती है ऐसे ही ये कोई इसका म्याद नहीं है कितनी कब तक चलती है ऊपर का सरपत यानी सड़ भी जाता है लेकिन पानी नीचे नहीं पानी नहीं आता नीचे इसका फिर बदला जाता है कम से कम जब थोड़ा सा खराब हो जाता है तब बदला जाता है तो अभी 30 साल से एक भी बार नहीं बदला ये भी नहीं बदला गया है अभी उसी तरह चल रही है। बारिश में इधर क्या पानी वहीं नहीं छूता नहीं एक भी नहीं पानी छूता है पूरा आश्रम इसी तरह गर्मी में ठंडाती है और ठंडी में जो है गर्माती है। अच्छा इसमें सरपत में ये है देसी दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही सुंदर कुटिया है सरपत ऊपर लगा हुआ है जब यहाँ पे भीषण ठंडी पड़ती है तब यहाँ पे गर्मी की राहत मिलती है और जब यहाँ भीषण गर्मी पड़ती है तब यहाँ पे ठंडक महसूस होती है ठंडा महसूस और देखिए चारों तरफ से खिड़की भी लगाई गई है। हाँ, रोशनदान देखिए वहाँ पे भी लगाया गया है बगल में भी मेरे देखिए रोशनदान है पीछे भी रोशनदान है इधर भी थोड़े से घुमा के दिखा दीजिए देखिए चारों तरफ देखिए रोशनदान इसमें लगाए गए हैं और देख सकते हैं किस तरह एक एक लकड़ी यहाँ पे यानी खीलियों से ठोक ठोक के बनाई गई है बहुत ही मजबूत कुटिया बनाई गई है। दोस्तों ये अभी 30 साल हो गए कम से कम 30 साल अभी ये और चलेगी
अभी बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। यहाँ पे दाता साई रहते हैं, दाता साई के भैया भी यहीं पे रहते हैं, सेवा में लगे रहते हैं। और ये आश्रम दोस्तों देख सकते हैं, अभी हम आपको बाहर कभी दिखाएंगे, बाहर से भी इसका नज़ारा दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं, आपको बाहर दिखाते हैं। आप थोड़ी एक बार दिखा दे, सेव कर लो। देख सकते हैं ये चारों तरफ से कुटिया के हम आपको पूरा दिखा रहे हैं। देखिए चारों तरफ देखिए कितना सुंदर बनाया गया है, और बहुत ही साफ सुथरी कुटिया है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ से फर्श बनाई गई है, और बीच में 20x20 की कुटिया बनाई गई है, और ऊपर से शरबत लगा के इसको बनाया गया। देख सकते हैं ऊपर देखिए हरे हरे चारा जाम आए हैं, लेकिन अभी भी इसमें कुछ बिगड़ा नहीं है। देख सकते हैं बहुत ही मजबूत कुटिया है, ऊपर सड़ भी गई है, लेकिन नीचे से एक भी बूंद पानी इसमें नहीं आता। और ये चारों तरफ से देखिए चबूतरा बनाया गया है, काफ़ी सुंदर चबूतरा है, और इसमें चारों तरफ से खिड़कियाँ भी बनाई गई हैं। ये देखिए रोशनदान बनाया गया है ताकि हवा चारों तरफ से कुटिया में अंदर जा सके। और इधर उधर देखिए फूल पौधों के पेड़ भी लगे हुए हैं, ये देखिए। और यहाँ पे देखिए नींबू का पेड़ भी लगा हुआ है, काफ़ी बड़ा वृक्ष है यहाँ पे नींबू का लगा हुआ है, ये देखिए देख सकते हैं। और ये यहाँ पे देखिए अमरूद का भी एक वृक्ष लगा हुआ है, और यहाँ पे देखिए एक फूल का भी वृक्ष लगा है, और यहाँ पे देखिए नीम का वृक्ष लगा हुआ है। दोस्तों ये साईं दाता आश्रम है जो बेड़ी पुलिया में पड़ता है। बेड़ी पुलिया में जो ये क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास डिग्री कॉलेज है, इसी के जस्ट सामने साईं दाता आश्रम पड़ता है। दोस्तों यहाँ देखिए पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे एक तो सप्लाई नल की बहुत ही आवश्यकता है कि ताकि कोई यहाँ पे अगर आ जाता है तो उसको पीने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे पानी की सप्लाई की ज़रूरत है, अगर कोई भक्त यहाँ पे सप्लाई लगवाना चाहता हो तो थोड़ी बहुत यहाँ पे महाराज जी की सेवा में कर सकता है, इतना यहाँ पे आके यहाँ पे लगवा सकता है। तो इससे यहाँ पे जैसे लोग आते हैं अपना, तो उनके लिए पानी की व्यवस्था हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे सेवा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बेड़ी पुली आ सकते हैं साईं दाता के आश्रम, और आके यहाँ पे अपना सेवा कर सकते हैं। मसान जगह है वो, जहाँ वो दादा सारी को कहीं मन निकली। हाँ, मसान अच्छा मसान है वो, अपने में डाला उठा कर मसान में ताकत थी। तो घर का चीज तो ओके घर दे दे, ओके घर ओके दर जाए, मसान में ताकत थी। ताकत हाँ इसी ताकत थी, मसान जीना तो मैं इतनी ताकत थी। खेल भैया की दुकान से परात उठा लिया। अच्छा पूरी परात का परात उठा लिया, मैं उधा के बात आ न मानता चल, मैं अबे पूछवा दिया वो का लड़का है, अब बच्चा तो नहीं है, बच्चा है भैया वो की मचारी का नारा भूरी भूरी है भैया। अच्छा भूरी है भैया का लड़का बच्चा है भैया, तो बच्चा है भैया एक रंदी के बिटिया का रख लेते थे। अच्छा रंदी रखे रहा वही रंदी का लड़का जवंदा भाई, तो जने वाला लड़का का नाम है, बच्चे के लड़का कुछ नहीं के नाम है। तो जी नाच उठाए लगे परात, एक मौलाना बहु पढ़े रहा, तो कहा कहे रे मिठाई खाई है का जड़ी डंडू उड़त तो कहा मिठाई खाई है का, कहा मौलाना साहब मिठाई खाई दी, तो चिट्ठी लिख के दे दादी से डंडूर में। तो एक दिन ना था तो कहा कि यार मिठाई मांगा थी, और जा तो ले तो आ रही बच्चा हिल भैया की दुकान से परात समय तो उठा ले, तो बर्फी के भी कम से कम मान के चला कि 10 किलो बर्फी आ जा मिल जा, बड़ी भारी परात रहा 2 फुट के चौड़ी पीतर के, चार अंगुल को ऊंच बार बार बर्फी जमी जा, पूरी उठा ले गया, उठा के बस डंडूर जहाँ को हुई गिरा दी, कह दे यार खा ले मिठाई, 20-22 जने रहा मौलाना सब खाएं पिए छत भर खाएं, 10 किलो मिठाई थोड़ी होती बांटी में। अब एक उन्हें क्या रे केला रहा नकल के लिए ये तन लिख के डालू जाए डंडूर में। अच्छा। तो मिठाई आ गई थी तब महू लिख के डाल दियो आज के डंडूर में, वो लिख के डाले तो वह दिन रहा उनके बारात। अच्छा उधर का भी यहाँ जाती तो छा बधा रहा, तो छा बधा के मैं तुम्हें मिठाई खवा दी, आज उन्हें दिनों मौलाना नकल की नहीं नकल नकली चिट्ठी डाले वो दिन रहा उनके मैयत। अच्छा उनका पुरखा मर गया, तो पुरखा की मरी से याद में रो थे कि हम मिठाई का ख्याल, तो उन्हें गुस्सा लाग जितने जिन ना आता कहा से तुम पुरखा मर गए ये सर के मिठाई का लाग, तो सर के उठा लेंगे अपने सर के बराबर वहाँ से फेंक देने। तो गिरो सार भेजे के बदल तुम आँखें उल्टा दी हैं
अभी कुल्ला साल मुहे से खून डाली गाते दे प्राण निकल गए। 3 मिनट 5 मिनट न लागे मौलाना के पता चल तो मौलाना हो कहा मर जा सास क्या नकल बनाओ थे। अरे मुझसे पूछते बिना गुरु विद्या नहीं खोलो क्या नकली नहीं पास होता पास तो हो जाई लेकिन साथ कामयाब ना रही पास जरूर हो जाई लेकिन कामयाब ना हुई नकली नकली पास हो में सारी कामयाब ना हुई न तो नौकरी मिली न कोनो विकास मिली न कोनो तो दर्जा मिली तो सारी काम मर जा। 4 दिन के बाद में परात आई कहा से परात में रोड ढूंढत रहा हूँ नहीं बैठ रहा हूँ वो आधरी ही परात इस बार में जी कुलहाल मचो या फलानवा मर गया ऐसी ऐसी बात है मौलाना बताए कि परात परात मिठाई जान के खबा हूँ 4 दिन के पहले और 4 दिन के बाद मसाज के नकल नकल की नहीं तो साहब मर गया तो फिर गणित लगाए वहाँ के आदमी बच्चा है भैया खुदे गणित लगाए कि आज बात सही है चाहे सोमवार की दिना परात है नानती 4 रोज में तो मिली है तो कई दिन में मिली सोमवार के दिन हैरान तो शनिवार 1 2 सोमवार 3 मंगल 4 मंगल के दिन परात मिली कहे यार ये वो है परात आया मिठाई खा ली नहीं परात दे गई जिन्नात जिन्नात में ये ताकत है ये बुनमाई का जन जगह है जिन्नात मसान मसानी राजा चल रही है यानी कि वोट कहूँ अंते जरा निकल देखे का मां मसान सा उठा के खेका मैं दादे से मसान जगा जा तुम को खी रास्ते उठा के तुम्हारी रास्ते में डाल दें वाकई चीज वाकई डाल दें मसान जगा ले तुम तो मेहरियों के साथ पाल दे वो के मेहरिया तोरे साथ पाल दे अच्छा यहाँ तो यही मसान का ये काम है आप कर रही जो जगाए हूँ मसान जगा वाला खुदे मसान बनी रात भर सोई ना था धन को सोगत सारी वही का खा लाई तुम तो गए हो ना दाता मसान मसान अरे हम सब हर चीज भोगे अपन है जगाए नहीं मसान ही साधु हम बैठे में अब घर ना मैं नागा साधु हूँ बारह पंथ का साधु हूँ एक पंथ का नाम हो कि मैं साई भरी के पंथ का हूँ बारह पंथ का 4 पाया है और 4 दिशा है और 4 धाम है और 4 वेद है चार अंग है दीपाव है दुई हाथ है चारों अंग से सब काम है सात अंग ब्रह्मांड में है इसे सतलोक मिले थे सद्धाम मिले थे सत्कर्म के सत्कर्म बात के पूरी होती करसे कर्म करम बची पावत नहीं आते समय में रोवत रात भर नहन में खड़ी होवत पता है हमारे हाथ कहीं तो लोग हैं ना हम हमको शायद बकचोदन का बल्कि मार देते ना आसमता छूट जा तो दाता कहाँ तक नांगा आसम में मैंने कहा है आसम में कहो कि कबूल नहीं बनिया और तोर बने कहा है तो अजगर बन के रहे तो जय जान इसकी ऐसे सो अजगर बन के न रही ऐसे सो मार रही भाग गई है मेरी सारी का अजगर बना के रखा हूँ इसे हाथ तोड़ दिया पाँव तोड़ दिया लिंगी तोड़ दिया तो न सारा कहका न कह को मार पाई या छाँकी फोड़ दिया न सारी की तरह देख पाई ये आँखी में नहीं दिखा था या मैं दिखा था अच्छा सारी के दांत दांत तोड़ दिया नहीं सारी के कुछ चबा लाई तो दांत तो तोड़ दी हाथों तोड़ दी तो का समझे का बड़ा है इनमें का समझे कौन बड़ा है राम दुनिया से नहीं आ रहा कौन ही राम जाना था दशरथ राजा दशरथ का जाना ना कह गए समय खराब कर था अबे वो तब तो जा रहे एक राम घट भरे में बोला एक राम दुनिया से नहीं आ रहा एक राम दशरथ का बेटा एक राम ने जगत पसा रहा एक राम दुनिया से नहीं आ रहा घर के राम का जनता यहाँ
वो दर्शन के लड़का के सारी मैया से राजा राम राजा राजा राम अपने राजा का जनते नहीं अपन राजा कुआ बीज बीज से संसार बनो औलाद बनी है बाप माता की बीज से शरीर बनो हम बीते लड़का बने लड़कन बीते नाती बने या राजा आत्म में जब तक जीव पर हो यही है आत्म आत्म राम है असली राम यही है यही ब्रह्म है यही ब्रह्म है यही राम है यही आत्मा है यही परमात्मा है यही सदगुरु है यही दासी है यही अविनाशी है इसके बिना सब सत्यानाशी है ठीक आया है बिल्कुल सही बात है आत्मज्ञान आदमी नहीं पहचानता बाकी आत्मज्ञान बिना भटका है आत्मज्ञान बिना नर भटका है कहाँ काशी कहाँ मथुरा बिल्कुल सही कह रहे हैं हम वही कहाँ बंदे धोनो में तो तेरे पास ना काबा में ना मस्जिद में ना काबुल खंडार दिल से नाम लियो पर हुई दिल और को मिलियो सबकी श्वास में सबकी श्वास में जा मैं यहाँ बोलता है एक दा वो से एक जात है एक दा बाहर जा खाते गड्डी कर जाते श्वास लेते हैं यही राम भीतर जाते तो क्या कहते बाहर आओ तो क्या कहते अरे निहा ज्ञान तो ज्ञान लियो ओम मन का होता है मैं त्रिगुण मां बोलता हूँ भाई चौथे में जब त्रिगुणों नहीं समझ सकता होते होते जब पहिया का सही बात जब तो त्रिगुणों का ज्ञान नहीं है तो चौथे के ज्ञान कहाँ से आई जब तब तीन की गिनती नहीं होती है तो चार चार के कहाँ से आई सही बात एक सिक्का गिनो जाते एक के बाद मका गिनो जाते तीन ना होगी हाँ अरे एक दो तीन ना होगी आपको बताना पड़ेगा गुरु के गुरु किसी भी गुरु की ये मां बड़ा है तजवीज तजवीज के नाम का है अनुभव अनुभव वो अनुभव का नाम का है हाँ अनुभव का नाम का है अनुभव सबसे बड़ी चीज है अनुभव का नाम है अलेख कोई लेख में नहीं है जब अनुभव कहे तब ही लिखिया कि मैया लिखे कहा और अनुभव कहे तो कहा लिख लिया है अनुभव करिया कि अनुभव से कहा लगे है विवेक विवेक से कहा बने है विचार विचार से कहा बने है शांति शांति से कहा बने है रूपरेखा सबसे बड़ा है तजवीज जब तुम्हें तजवीज नहीं है कौन चीज का अनुभव नहीं है भव बंधन में पड़ो हो संसार तामसी हैं हम गुस्सा हैं यदि यही कमा झरिया के धरिए थे इतनी सेवा करते हुए अगर यह विश्वास आत्मज्ञान न हो तो बाप लगे भाग जाते हो आत्मज्ञान अब एक दिन में थोड़ी दाता मिल जाता है आत्मज्ञान ये खा क्या का ये 16 साल की साल में निकल गया तो हम पंजाब में पंजाब की सरदारों के बीच मरो हो वाह गुरु सतनाम सतनाम के हम 26 साल हम पूजा की है 26 साल के बाद में गए तो सारी भाइयाँ आते अब नंबर 26 माना 25 है माना अब 25 कर या लड़की 16 साल का कच्ची उम्र में अब 30 का नहीं हाँ 4-5 साल बच्चा हो गया टूट गए होकर झांकर हो गए बीमारी बनी रहती जब खूने नहीं हाँ तो वो को माला पहरा दें यहाँ को माला पहरा दें वही नहीं हाँ ज्ञान वो नहीं जान पाओ क्या ये ज्ञान है ये जान लीन है तो नहीं मारो मरता है नहीं बिल गई हो मर जात ऐसी सी बातें कहा था कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता किसी की बातें बर्दाश्त कर रहे थे तो कैसे बर्दाश्त कर रहे थे वही आत्म ज्ञान है बिल्कुल भाई जानते हैं ना जो है सब अच्छे के लिए बोल रहे फिर दूसरा नाम का नाम विमल विमल विवेक विराग बढ़ावन उपजे संत पाद दुखदाई प्रीत करें जो तीवन भाग विमल भक्ति सबको नहीं मिली है रामायण की बात कह रहा हूँ
क्योंकि का दे छोड़ सबसे बड़ी भक्ति कौन है जिसके राम कह जैसे दशरथ के लड़का का कहा तो वही वही के बारे का पैदा हो कौन है सबसे बड़ी भक्ति विमल भक्ति विमल भक्ति के तीन जने का मिली है चौथे का नहीं दीन है अपने बाप का नहीं दीन दशरथ का विमल भक्ति दीन है जटायु का जो उसके उपकार में मरा है विमल भक्ति का दीन है केवट का जो नाम में पार किया विमल भक्ति दीन है काक गरुण संवाद काक भूसुंड का काक भूसुंड बहुत बड़ा ज्ञानी है तो कोई कौआ नहीं है कोई अवतारी है ऋषिन का अवलाद है ऋषिन ऋषिन के आशीर्वाद से वह विमल भक्ति पाव है गरुण का मोहरा है ये राम आई नाग में बंधे पड़े हैं मैं नाग तीर्थ में बंधो को रहा तो गरुण खा ली थी नांग वह सब चुन चुन के खा ली है तो उनके बंधन छूटी नहीं कैसे पड़े रहे दोनों भाई नांग में बांधे ऐसे मैं अभी विद्या मार उतरे नेंगनान बांधन नांग में बांध ली थे बांध के चाहे चाहे काट दरद चाहे फाट दरद दोनों बांधे रहे राम के इष्ट को आज हनुमान जी न हो जरा राम राम तो साहब निकटते मार डर हो जात हर जगह से वह बचाओ है भाई का वह बचाए सजुनी बुटी लाओ सीता का वह बचाए समुद्र का वहाँ पताल ले गया है रावण उसे उठा के लाओ पताल में घुस के उसे बचा के लाओ सारे संकट वह बचाए बिल्कुल इसीलिए वह करना पर संकट मोचन ये बड़ा कुआ है ये बड़ा का पेड़ कुआ है बरगद नहीं है ये शंकर जी का अवतार है शंकर जी है ये जो जटा है जो बड़ा है ये शंकर जी के जटा है ये हमारा इष्ट है जैसे वहां बताया राम का इष्ट हनुमान तो शंकर के इष्ट है ये बरगद शिव का इष्ट है तो राम और शिव एक द्वारा में गहे हैं जैसे हमारी तकमा दोनों एक द्वारा में गहे हैं एक 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 द्वारा में गोहे थे एक दूसरे का बराबर ही है वही बड़े मानस ही वही बड़े मानस तो राम का बड़े मानस शिव का तो कृष्ण का कौनों का नहीं कौन में ना जा यही तो आप भूली कौन में नहीं जा का दुई मरहा का है अरे भाई शिव मानस है राम का राम मानस शिव का दुनिया माना जाता है बराबरी मानस वही गुरु भाई वो माने तो वही गुरु भाई वो माने वही गुरु वो माने तो वही गुरु वो माने दोनों का मिला के बन हो जाए महामंत्र महामंत्र के लिए नहीं बनगा महा के माने का हो थे डबल ये तक में हो गया हमारे तक को बन गए सदगुरु बन गए महागुरु बन गए गुरु तो संसार में है ये महागुरु का ज्ञान है कि महागुरु कहाँ से बने थे महागुरु बन थे महादेव का जीत लिया राम का जीत लिया अपनी आत्मा का जीत लिया महागुरु तब महागुरु बनी अरे भाई देश के बचाने खातिर बादल में पुलिस लगाई गई गवर्नमेंट परे परे खवाओ था जीती जीती बेरा लड़ाई का काम हो जाते तो जान के नीचा वही फिर नहीं देर आती हम मार डाले जहाँ जुगर जा अन्न खाए हैं वहाँ का पानी पिए हैं वहाँ का कसम खाए हैं अपने अपने मातृभूमि का गंदन शहीद मर गए मार्च शहीद हो गए। तो दोस्तों आज का अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ऐसे ही चित्रकूट के साधु संतों के दर्शन आपको करवा सकें और उनका सत्संग सुनवा सकें आप हमारा वीडियो देखते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।